जी भाभी, मैं थोड़ा बिजी हूं, मैं आपको कॉल बैक करता हूँ। कभी कभी ऐसा लगे के फासले न कम होंगे, क्या मैं समझूं अगले सफर में हम सफर न हम होंगे। इतनी दूरी क्यों है न जाने, इतनी हसरतें क्यों है, कोई मुझको काश बताए इतनी उलझने क्यों है। तो ये थी तुम्हारी वजह। Shut up. You shut up. इतने साल मुझे बेवकूफ बनाया तुमने, हाँ? समझ आया किसकी वजह से बनाया? ठीक कहती थी भाभी। वो औरत तुम्हें कहाँ कहाँ डंग मारेगी, वो तो किसी ना किसी दिन तुम्हारे सामने आ ही जाएगा। लेकिन इस वक्त मैं तुमसे उलझना नहीं चाहती, इसलिए मेरे रास्ते से हट जाओ। हटा तो दिया तुमने रास्ते से मुझे, लेकिन मुझे सिर्फ इतना बता दो कि मुझे बेवकूफ क्यों बनाया, मकसद क्या था मेरे साथ खेल खेलने का? मुझे धोखा देकर तुम मुझे को चीटर कह रहे हो, और मैं किसी भी बात के लिए तुम्हें वजाहत देना नहीं पसंद करूंगी। यार हेलो, देखो पब्लिक प्लेस है, खामखा में सीन क्रिएट मत करो, अपने घर जाओ। तुम पता कौन हो? ये मेरा शौहर है। तुम हटो, मैं बताता हूँ। प्लीज प्लीज रहने दो, इस शख्स के मुंह लगने की जरूरत नहीं है। बेटा शगिन ने अगर थोड़े बहुत कम हो तो मैं सारे पूरे कर दूंगी, बाद में दे दूंगी, बस तू ऐसे कर कि उसे भेजने की कर। क्या हो गया खाला? खाला की तबीयत तो ठीक है ना? सब खैरियत तो है ना? बस बेटा क्या बताऊं, यूं समझ लो कि मेरी इज्जत, मेरी लाज, सब कुछ इस वक्त तुम्हारे हाथ में है। जुल्फी को किसी तरह दुबई भिजवा दे मेरे बच्चे। ऐसी बातें कर रही है खाला? अच्छा क्या जुल्फी ने आपको कुछ कहा है? आप मुझे बताएं, मैं उससे बात करता हूँ। हाँ बेटा, अब तो तुम्हें ही बात करनी पड़ेगी और तुम्हें ही समझाना पड़ेगा, और तुम्हारी बात वो समझ भी जाएगा। बस एक ही बात पे अटका हुआ है, उसी की जिद किए जा रहा है। अच्छा क्या कहता है वो? यही कि फलक के साथ मेरा निकाह करवा दो, तभी दुबई जाऊंगा। तो खाला कर दो ना, अपनी बच्ची आपकी। अरे बेटा कैसे बताऊं कि नहीं कर सकती, अभी उसकी शादी नहीं करवा सकती। अरे खाला तो तुम किसी गैर को तो नहीं दे रही ना? तुम्हारी अपनी बच्ची है, तुम्हारी भांजी है, और बेटा भी तुम्हारा अपना ही है। अरे फलक का कहीं और निकाह हो गया है। क्या? अगर इस बात का जुल्फी को पता चल गया ना तो दुबई नहीं जाएगा। मैं बात करता हूँ आप। बड़ी मेहरबानी मेरा बच्चा।